आयशाज किचन वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कीमा स्टफ रोस्ट। आपने कीमे के समोसे और कीमे के बहुत सारे आइटम खाई होंगी, लेकिन आज हम थोड़ा हटके और अलग करने की कोशिश की है हमने कीमे के साथ, और इसको एक फ्लावर की शेप देने की कोशिश की है। तो आइए अपने रोस्ट बनाना शुरू करते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी शुरू करने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले लिया है 1/2 kg बीफ का कीमा, जिसमें हमने लिए हैं हरी मिर्चें, हरा धनिया, प्याज और लहसुन अदरक। इसी में डाल के इस तरीके से बारीक पीस लिया है। अब यहाँ पर हमने लिए है 1 कप मैदा, 1 कप से थोड़ी कम लिए हमने कॉर्नफ्लोर, 1 बड़ा चम्मच, इस बड़े चम्मच के मुताबिक हमने लिया है यहाँ पर अरारोट, 3 लिए हमने लाल मिर्च, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया। इसको हमें सिर्फ मिक्सी में ऐसे ही इसका बारीक पाउडर बना लेना है दरदरा। यहाँ पर हमने लिया है 1 छोटी चम्मच लिया है हमने गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1 छोटी ही चम्मच लिया है नमक, थोड़ा सा हमें तेल चाहिए डो तैयार करने के लिए। तो आइए अपने गुलाब रोल बनाना शुरू करते हैं। आइए अपने गुलाब बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमने अपनी गैस पे एक पैन रख दिया है, इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब ऑयल ऐड करेंगे, सिर्फ इतना ही डालना है हमें। अब इसमें अपना कीमा डाल देंगे, चलाएंगे पहले इसे। इस तरीके से सिर्फ हमें इसी का ऑयल चाहिए, ज्यादा ऑयल नहीं चाहिए स्टफिंग के लिए। अब हम इसे कवर करके कुक करेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा सा टेंडर भी हो जाए और ये पानी कीमा हमारा खुद ही छोड़ देगा जब हम इसे इसकी लिड में कवर करके पकाएंगे। हमारा कीमा हल्का सा टेंडर होना शुरू हो गया है। अब इसमें अपने सारे मसाले ऐड कर देंगे, चाट मसाला, गरम मसाला, नमक और 1 चम्मच भर के जो हमने दरदरे मसाले कूटे थे इसका डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह चलाएंगे हम मिक्स करते हुए। बस हमें ये ऐसा ही चाहिए। अब इसे एक साइड पर निकाल लेंगे और फिर अपने गुलाब बनाना शुरू करेंगे। पहले अपने डो तैयार कर लेंगे। इसमें मैदा, सारी ऐड कर लेंगे, पहले इन्हें मिक्स करेंगे अच्छे से, फिर इसके बाद इसमें अरारोट मिक्स करेंगे, अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब सॉल्ट, नमक इस तरीके से, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम इसमें, फिर इसका एक डो तैयार कर लेंगे। हमें ना ज़्यादा सख्त डो करना है ना ज़्यादा नरम, सिर्फ मीडियम तरीके का ही हमें डो तैयार करना है। अब इसमें 1 चम्मच के करीब हम ऑयल ऐड कर रहे हैं, पहले से मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हाथों की मदद से हल्का हल्का पानी लेते हुए हम इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। पहले अच्छी तरीके से तेल को मिक्स करेंगे, इस तरीके से रब करते हुए। पानी डाल के डो तैयार कर लेंगे। इस तरीके से देखिए, हमने ना ज़्यादा सख्त गूंदा है और ना ज़्यादा सॉफ्ट गूंदा है, इस तरीके का आटा चाहिए हमें। अब इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इस तरीके से। अब आप चाहें तो इसे कपड़े से भी ढक सकते हैं करके 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। हमारा कीमा रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। अभी इसे एक जार में
12 कीमा डाल देंगे हम और इसे पीस देंगे ताकि हमें फिलिंग में जब हम बॉल बनाएंगे तो कोई परेशानी ना हो। इसे अच्छी तरह हम पीस लेंगे। शामी कबाब की तरह पीस लेंगे हम इसे। हमारा कीमा बिल्कुल पिस चुका है इस तरीके का, आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके का महीन हमने कर लिया है ताकि। तो आइए अपने गुलाब बनाना शुरू करते हैं। हमारे डो को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसे खोल देंगे इस तरीके से। एक बार फिर से इसे हल्का सा ऑयल लगाकर इसे सेट करेंगे फिर से इस तरीके से ताकि ये स्टिकी ना हो हमारे हाथ पे। बस हल्का हल्का सा फिर से एक हाथ मार लेंगे। ये देखिए हमारा सॉफ्ट डो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे साइड पे करेंगे और इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। हमारा डो बिल्कुल तैयार है। अब हम इस डो के दो हिस्से कर लेंगे इस तरीके से, हाथ से ही इस तरीके से। एक हम अभी साइड पे कर देंगे और एक हम बना लेंगे। एक बड़ी सी शीट हमें तैयार करनी है मैदा डस्ट करके इस तरीके से। ऐसे हाथों की मदद से हम इसे फैला लेंगे। अब इसे बेलते चले जाएंगे हम और बिल्कुल पतली शीट तैयार करेंगे हम बेल बेल के। इसे बड़ा करते जाएंगे और पतला करते जाएंगे। बेल की ये इतनी बड़ी शीट तैयार कर ली है, आप देख सकते हैं कितनी पतली है ये। इस तरीके की बारीक चाहिए हमें। अब अगर आपके पास मोल्ड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हमने एक कैप लिया है, इसकी मदद से हम अपनी शेप तैयार करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम शेप तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हमने सारी शेप कट कर ली है। अब अपना बचा हुआ आटा हम इस तरीके से हटा देंगे और अपने गुलाब बनाना शुरू करेंगे। अब हमने इन चार पत्तियों को पास पास करके इस तरीके से बाइंड कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब अपनी उंगली की मदद से हम इसको दबाते जा रहे हैं ताकि हमारे कॉर्नर चिपक जाए आपस में। अब हम अपनी फिलिंग रखना शुरू करेंगे। इस शेप में करके हम अपनी फिलिंग रखना शुरू करेंगे इस तरीके से। फिलिंग ध्यान रहे हमें कम कम ही भरनी है। एक ब्रश की मदद से हमें अपने कॉर्नर्स पर पानी लगाना है ताकि जब हम इसे बंद करें तो ये अच्छी तरह आपस में चिपक सके। बस एक ही साइड लगाना है हमें पानी। इस तरीके से हम अपनी चारों पत्तियों पर पानी लगाते चले जाएंगे। अब ध्यान से नीचे से उठाते हुए हमें ऊपर की साइड अपनी पत्तियों को बंद करना है इस तरीके से दबाते हुए ताकि ये अच्छी तरह आपस में ऊपर नीचे से जुड़ जाए और खुले नहीं। इस तरीके से चारों पत्तियों को हम ऊपर तक बंद कर देंगे। अब धीरे धीरे एक साइड से हम अपने गुलाबों को शेप देना शुरू करेंगे यानी कि घुमाना शुरू करेंगे इस तरीके से। धीरे धीरे हम घुमाएंगे बिल्कुल ध्यान से। तैयार है हमारा गुलाब। अब इसी तरीके से हम सारे तैयार कर लेंगे।
और फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको। हमने सारे गुलाबों को इस तरीके से बना के तैयार कर लिया है। अब इन्हें फ्राई करने चलते हैं। हमारा ऑयल गरम हो चुका है, हमने थोड़ा सा मैदा डाल के चेक किया है। अब इसमें ध्यान से अपने गुलाबों को डालना शुरू करेंगे और इसे फ्राई करेंगे इस तरीके से, हल्का सा हिलाते हुए ऐसे करके। इसके ऊपर हल्का हल्का तेल डाल देंगे जो ऊपर नहीं आता है। अब इसको फ्राई करेंगे हम अच्छी तरीके से जब तक इसका गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। इसकी साइड चेंज करेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं हमारा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। हमें थोड़ा सा और डार्क करना है, बस अभी से एक साइड पे निकाल लेंगे। इसी तरह अपने सारे फ्लावर्स को हम तैयार कर लेंगे। ये है हमारा कीमा स्टफ रोज का फाइनल लुक। आप देख सकते हैं एक एक कली माशाल्लाह रोज की कितना खिलकर नजर आ रही है और बनाने में भी बहुत आसान है। अगर हमारी वीडियो और मेहनत अच्छी लगती हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।